हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है? इवेल्युएट 1, 2, 3, 4। ये फोर क्वेश्चंस आपके डिटरमिनेंट के दिए हैं, इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्सपेंशन आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, देन हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है 3, 0, 3, -1, 0 एंड -5, -2, -1 एंड 0। ये है, चाहे तो हम आर टू के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, ये आर टू है क्योंकि यहाँ टू जीरोज हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो ये तरीका, या जो आपको बेसिक पता है उसी से सॉल्व कर दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, राइट? हम क्या करें, जो बेसिक हमें पता है चलिए उससे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो बेसिक क्या पता है भाई, 3 यहाँ लिखिए, 3 ये डिटरमिनेंट है 3। क्या करेंगे, इसको हाइड कर लिया, हाइड करने पे क्या दिख रहा है, 0 इंटू 0 0, -5 इंटू 1 5, माइनस माइनस प्लस, और ये फॉर्मूले में माइनस, ये माइनस आता है फॉर्मूले में, यहाँ क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। क्या आएगा भाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लीजिए, ये और ये हाइड कर लिया, क्या दिखेगा, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 प्लस का 3 और फिर माइनस का 2। अब ये हाइड कर लीजिए, ये और ये हाइड कर लिए, क्या दिखा, 0 इंटू 5 0, -3 इंटू 0 0, आया क्या देखिए, 5 3 जा 15 माइनस का, ठीक, इधर क्या आएगा 3 और ये हो गया प्लस का 3, ऑलराइट। तो 15 -3 सॉल्व करने पे कितना, माइनस का 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ऑलराइट। रिमेनिंग क्या आप कर सकते हैं, चलिए एक मैं करके और दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। सेकंड आप करना है, सेकंड आपको करना, थर्ड आपको करना है, मैं लास्ट करता हूँ, ठीक ना? देखिए फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ 1 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 एंड 0। जो हमें रूल पता है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक भाई? तो देखिए 2 हाइड करो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ये और ये हाइड हो गए, तो जो दिख रहा है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स 2 इंटू 0 और 5 इंटू 1, क्या आएगा, 0 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये क्या आएगा, माइनस का 1 है ना, ये आएगा आपका माइनस का 1, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1। ओके अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हाइड करिए, तो ये और ये हाइड हो गया, जो दिखा उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू 3 0 एंड माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 3, फिर माइनस का 2, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है उसको हाइड करिए, ये और ये, जो दिखा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 और माइनस का 6, तो 0 माइनस 6 ये आएगा इतना। अब देखिए आगे क्या होता है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, 0 माइनस 6 हो गया, सो ये आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 माइनस 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 प्लस 6 2 जा 12, तो क्या आ गया, 10 प्लस 3 प्लस 12, और 12 3 15 15 और 10 25, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इजिली समझ आ गया होगा, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज 3 आप कर लीजिएगा, एज इट इज सेम है। ओके तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।